आपका ज्ञान पोर्टल फिर से आ गया है आज डेली लीड कोड चैलेंज के साथ। और यार आज का जो क्वेश्चन है ना वो है हार्ड प्रॉब्लम लीड कोड की, लेकिन अब बेसिकली अगर मैं बताऊं तो बस कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है ये एक। ठीक है, क्वेश्चन का नाम है काउंट ऑल वैलिड पिकअप्स एंड डिलीवरी ऑप्शंस। बेसिकली हमें गिवन क्या है, गिवन एन ऑर्डर्स एंड ईच ऑर्डर कंसिस्ट इन पिकअप एंड डिलीवरी सर्विसेज, है ना। लाइक जैसे आप फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करते हो या अमेजोन से ऑर्डर करते हो तो पिकअप होता है आपका ऑर्डर कहीं से और डिलीवर होता है आपको। ठीक है, तो हमें वैलिड पिकअप एंड डिलीवरी पॉसिबल सिक्वेंसेस बताने हैं, मतलब हमें काउंट करने हैं सारे के सारे सिक्वेंसेस, और लार्ज हो सकता है इसलिए हमने मॉड्यूलो वाली चीज़ भी यहाँ पे लेके चलनी है। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा समझते हैं यार और एक कंसेप्ट बिल्ड करते हैं साथ में मिलके। जैसे अगर यार मैं कहता हूँ कि यार हमारा एन जो है प्रोडक्ट हमारा 1 है, तो अब कितना होगा, सिंपल है, अगर एक है तो एक ही पिकअप होगा और एक ही डिलीवरी होगी, है ना। इसमें तो ज़्यादा कुछ है नहीं, सिंपल चीज़ है। लेकिन बात आती है कि अगर एन हमारा हुआ 2, अगर एन 2 हुआ तो बेसिकली क्या होएगा, एक पिकअप होगा, एक डिलीवरी होगी, सेकंड पिकअप होगा एंड सेकंड डिलीवरी होगी। ठीक है गाइस, अब इसे हम कितने पॉसिबल सिक्वेंसेज में कर सकते हैं वो हमें समझना है। देखो यार सिंपल है, पॉसिबल सिक्वेंसेज वैलिड कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले वैलिड की कंडीशन होगी कि कभी भी डिलीवरी किसी के ऑर्डर से पहले नहीं हो सकती, उसके पिकअप से पहले नहीं हो सकती। जैसे अगर मैं कहूँ कि भाई D2 को हम डिलीवर नहीं कर सकते पहले जब तक मैं पिकअप ना कर लूँ उस प्रोडक्ट को, ऐसे D1 को मैं डिलीवर नहीं कर सकता जब तक मैं P1 उसके जो प्रोडक्ट को जो है पिकअप नहीं कर लेता यार। तो इस चीज़ को हमें दिमाग में रखना पड़ेगा। तो क्या क्या पॉसिबल सिक्वेंसेज बना सकते हैं, सिंपल, एक तो मैं कह सकता हूँ कि भाई हम क्या करेंगे, P1 D1 P2 D2। एक तो हो सकता है कि भाई पहले P2 ले लियो, D2 डिलीवर कर दियो पहले, मतलब वही सेकंड प्रोडक्ट डिलीवर कर दियो, और फिर P1 ले लियो फिर फर्स्ट प्रोडक्ट डिलीवर कर दियो। ठीक है, एक हो सकता है कि हमने दोनों को साथ में ले लिया। अब दोनों को साथ में ले लिया तो हम क्या कर सकते हैं, एक हो सकता है कि भाई पहले D1 डिलीवर कर दिया फिर D2, एक हो सकता है कि पहले D2 डिलीवर कर दिया फिर D1, एक में क्या हो सकता है पहले P2 पिकअप करा फिर P1, और ऐसे सिमिलर यहाँ। तो बेसिकली कितने हमारे वेज बने, हमारे जो वेज बने वो बने 6। तो इस काम को करने के लिए हमारे जो है 6 वेज बने। तो यार बेसिक अरेंजमेंट की अगर हम बात करें, अगर मैं कहूँ कि भाई P1 है तो बेसिकली हमें ये समझना है कि हमें जो है, अगर हम कहें कि भाई हमारे जो है P1 और P2 और P3 तीन हो गए, ठीक है, एन 3 है, तो इसके लिए बेसिक अरेंजमेंट अगर हम देखें तो क्या होगा, एन ऑफ फैक्टोरियल। इसे तो हम कैसे भी अरेंज कर सकते हैं ना कि भाई पहले ये ले लिया, पहले ये ले लिया, पहले ये ले लिया। ठीक है, तो इसके क्या हो सकते हैं, अकेले के 6 अरेंजमेंट। ठीक है, 6 अरेंजमेंट इस अकेले के हो सकते हैं। नेक्स्ट इज अवर कि इन 6 अरेंजमेंट में अब बात हमारी जो आती है वो आती है मेजर बात कि आखिर हम ये 6 अरेंजमेंट हमारे क्या, कि भाई पहले हमने P1 ले लिया, P2 ले लिया, P3 ले लिया, पहले P1 ले लिया फिर P3 ले लिया फिर P2 ले लिया, कि हम कह सकते हैं भाई P2 पहले ले लिया, P1 P3, हम कह सकते हैं P2 P3 P1, हम कह सकते हैं P3 P1 P2, हम कह सकते हैं P3 P2 P1। ठीक है, तो ये 6 अरेंजमेंट है, ये तो 6 अरेंजमेंट रहेंगे ही रहेंगे, ये हमें समझ में आ गया। अब नेक्स्ट इसमें हम क्या इंक्लूड करना है, अब हमें डिलीवरी वाली चीज़ इंक्लूड करनी है हर एक की। तो मैं एक बेसिक अरेंजमेंट ले लेता हूँ समझाने के लिए। जैसे मैं कहता हूँ कि भाई ये एक हमारा अरेंजमेंट है, अब मैं बात करता हूँ कि भाई सबसे पहले हमें प्रोडक्ट, अगर हम कहें भाई D3 प्रोडक्ट, D3 प्रोडक्ट को इसमें इंक्लूड करने के लिए कितने वेज होंगे, सिंपल है यार। D3 यार यहाँ पे तो नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि यार अभी तो P3 पिकअप ही नहीं हुआ, तो D3 क्या होगा, पिकअप P3 के बाद ही आएगा। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो D3 का नंबर ऑफ वेज कितना हुआ, ओनली हियर तो 1। D2 की बात करती, D2 की अगर हम बात करें तो यार D2 को हम देख रहे हैं कि भाई D2 का क्या है, D2 हमारा यहाँ भी इंक्लूड हो सकता है, एक नंबर ऑफ वेज 1, D2 P3 के बाद भी इंक्लूड हो सकता है। ठीक है, तो एक यहाँ पे आ जाएगा हमारा नंबर ऑफ वेज, और D3 की डिलीवरी के बाद भी हो सकता है। तो बेसिकली कितने वेज हुए, D3 के वेज हुए 3 वेज। समझ में आ रहा है गाइस, मतलब यार क्वेश्चन की लॉजिक समझो यार, कितना खतरनाक लॉजिक है।
ठीक है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज है यार, और मैं बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज आपके लिए बता रहा हूँ। तो यार जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि यार वीडियोस आपके लिए आ रही हैं और आई होप आपको पसंद आ रही होगी। और प्लीज़ यार प्यार दीजिए अपना ज़्यादा से ज़्यादा। हमें यार सितंबर में चैलेंज है यार कि हमें जो है 100 सब्सक्राइबर्स अपने डन करना है। तो यार अपने ज्ञान पोर्टल के साथ बने रहिए। नेक्स्ट इज अवर D1। अब D1 बेसिकली हमारा P1 यहाँ है, तो इससे पहले तो नहीं जाएगा, एक यहाँ आ सकता है, P2 के बाद आ सकता है 2, P3 के बाद आ सकता है 3। यहाँ D2 अगर होता है तो हम कहते हैं भाई इसकी डिलीवरी के बाद भी आ सकता है, बिल्कुल। और यहाँ अगर मैं कहता हूँ भाई D3 भी होता है तो इसकी डिलीवरी के बाद भी आ सकता है, तो बेसिकली कितने हो गए, 5 वेज। तो इससे हमें पता चल रहा है कि यार वेज कैसे निकलना है, 2 × n − 1। अगर मैं कहूँ भाई 1 है हमारे पास तो कितने हुए, तो 2 × n − 1 कितने हो गए, 1। ठीक है, अगर मैं कहूँ भाई दो प्रोडक्ट है तो दो प्रोडक्ट के लिए 2 × n − 1, तो 2 × 2 − 1 डेट इज 3, बिल्कुल यार 3 वेज। और अगर तीन प्रोडक्ट हुए तो 2 × 3 = 6 − 1 = 5, तो 5 वेज। ठीक है, और ये सारे हमारे क्या होंगे, ये सारे हमारे उस एन फैक्टोरियल में मल्टीप्लाई होंगे, क्योंकि वो हमारे नंबर ऑफ वेज बना रहा है। ठीक है गाइस, तो आइए चलिए कोड पे चलते हैं। आई होप आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा कि हमने आखिर लॉजिक कैसे बनाया और किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है यार। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या लेना है यार, हमारा जो है, हमें कहा गया है कि भाई हमारे क्या हो सकता है, हमारा आंसर जो है वो बड़े हो सकते हैं। तो हम क्या लेके चलेंगे, हम अपने आप को सेफ लेके चलेंगे। ठीक है, ये कहते हैं ना प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, तो क्योर करने से अच्छा है प्रिकॉशन लेके चलते हैं। तो रिजल्ट बना लिया हमने 1। ठीक है, और एक हमने मॉड्यूलर्स अपना जनरेट कर लिया। ठीक है गाइस, पर इतना काम करने के बाद अब मुझे बस लगाना है लूप। लूप मैंने लगाया 1 से लेके एन तक का, और इस लूप के अंदर, 1 से लेके एन तक के लूप के अंदर, अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं रेस को क्या करूँगा, रेस को मैं फैक्टोरियल्स के लिए मल्टीप्लाई करता चलूँगा आई से, और इसके साथ इसका जो है मैं मॉडुलो भी साथ में लेके चलूंगा, क्योंकि भाई क्योंकि हमें क्या गया है लार्ज हो सकता है। और इसके साथ ही मैं क्या करके चलूंगा अपना, कि भाई हर प्रोडक्ट के हिसाब से, जैसे अगर एक प्रोडक्ट है तो 2 × i − 1, दो प्रोडक्ट होंगे तो 2 के प्लस हो जाएंगे क्योंकि उसके कितने वेज होंगे, और उसके साथ में उसका मॉडुलो, और यहाँ लास्ट में मैं जो है रिटर्न कर दूंगा। मतलब यार कोड कुछ नहीं है, मेजर तो लॉजिक है इस क्वेश्चन का। ठीक है, और ऐसे लॉजिकल क्वेश्चंस आपसे जो है इंटरव्यू कोडिंग राउंड्स में पूछ ली जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक्सेप्ट हो गया, सबमिट करते हैं गाइस। और देखिए हमारा सबमिट भी हो गया है, आई होप आपको पसंद आया होगा। इसी साथ ज्ञान पोर्टल के साथ बने रहिए, और मैं आपसे अलविदा लेता हूँ और फिर से मिलते हैं।